Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामपुर के सांसद आज़म खां के बैरक चंद दिनों के भीतर शनिवार को फिर खंगाले गए। निरीक्षण के क्रम में कुल 30 बैरकों की तलाशी ली गई। शनिवार दोपहर डीएम एसपी ने अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर चहारदीवारी के पीछे निरुद्ध कारागार के बंदियों का हाल भी जाना है। जिला कारागार परिसर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह शनिवार दोपहर करीब 1 बजे पहुंचे। अचानक पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का लाल लश्कर देखकर परिसर में अफरा तफरी मच गई। जिला अधीक्षक सुरेश सिंह अन्य कारागार अधिकारियों के साथ बाहर निकल आए। कारागार अधीक्षक सभी को अंदर लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी के साथ नगर मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित, क्षेत्राधिकारी नगर पीयूष सिंह सहित 11 थानों की पुलिस थी। बताते हैं कि एक एक कर बैरक खंगाले जाने लगे। इस क्रम में आजम खां के बैरक की भी तलाशी ली गई। यहां रामपुर सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां भी मौजूद थे। सभी 30 बैरकों की तलाशी के दौरान बंदियों से बातचीत भी की गई। डीएमएसपी ने पाकशाला और महिला बैरकों का भी हाल जाना। साफ सफाई को लेकर तमाम से सवाल पूछे भी गए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से विशेष निर्देश भी दिए गए। इस दौरान जेल अधीक्षक सुरेश सिंह, जेलर आरएस यादव सहित अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। सीतापुर के कारागार अधिकारी सुरेश ने बताया कि डीएमएसपी का औचक निरीक्षण था। हालांकि मासिक मुआयना हर माह होता है, ऐसे में यह क्रम भी उसी निरीक्षण में शामिल है। कारागार के भीतर कोई भी आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं मिली है। संयुक्त निरीक्षण में बंदियों का हाल भी जाना गया है। वहीं बात करें तो आजम खान से पहले भी मुख्तार अंसारी के बैरक में भी अचानक से छापा मारा गया था, जिसमें कि कोई भी अवैध तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं मिली थी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.